कोरोना महामारी के कारण देश में जो पाबंदियां लगाई गई थीं, उन्हें अब अनलॉक के तहत सरकार ने खोलना शुरू कर दिया है। अनलॉक 4 में केंद्र और राज्य सरकार ने कई रियायतें दी हैं। ऐसे में 21 सितंबर से इन रियायतों में और ढील दे दी गई है। नई गाइडलाइंस के अनुसार शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो वहीं धार्मिक स्थलों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत दे दी गई है। वहीं सरकार की तरफ से ज्यादा रियायतें दिए जाने को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु का भी बयान आया। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, कोविड की गाइडलाइन के अनुसार ही मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा, मस्जिदों में नमाज के लिए चटाई और कारपेट बिछाए नहीं जाएंगे, नमाजियों को घर से कारपेट या चटाई लानी होगी। हुकूमत के अनलॉक के तहत 21 सितंबर से तमाम इबादतगाहों में 100 लोगों के जाने की इजाज़त दी गई है। लिहाजा मेरी तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों से यही अपील है कि तमाम मसाजिद में एक बार फिर से अल्लाह के करम से बाजमात नमाजों का अहतमाम होगा, लेकिन इस मौके पर भी जो भी प्रिकॉशंस हैं कोविड-19 के, वो पूरी तरीके से अपनाए जाएं। मिसाल के तौर पे मास्क का इस्तेमाल है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर के इस्तेमाल है, इनका अहतमाम मसाजिद में भी पहले की तरह किया जाए। उसी के साथ साथ मसाजिद में कारपेट या चटाई का इस्तेमाल ना हो, बल्कि जहां तक मुमकिन हो लोग अपने घरों से ही जनमाजे लेकर आएं और वजू भी घर से करके ही आएं, और बैतुलखला का भी जहां तक इस्तेमाल मसाजिद के बैतुलखला का इस्तेमाल ना किया जाए, और इसी के साथ साथ फर्ज नमाजों का अहतमाम जमात के साथ मस्जिद में जरूर हो, लेकिन नवाफिल और सुन्नतें जहां तक मुमकिन हो घर पे जाकर अदा की जाएं। और तमाम आइम्मा मसाजिद से खुसूसी अपील है कि हर नमाज के बाद इस मर्ज से हमारे पूरे मुल्क और पूरी दुनिया से नजात के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं। आपको बता दें, कोविड की गाइडलाइन के चलते कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।